अब वो टाइम आ चुका है जो सपने लेके आए थे उसे पूरे करने की। हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, लेकिन दो में से एक को जाना ये बिल्कुल तय है, लेकिन ये देखते हैं कि भाई किसका दिन और किसका लक उस दिन साथ देता है। अगर मैं केज के अंदर दोस्ती रखूंगा तब मेरा पाप है, ये मेरा कर्म युद्ध है, ये मुझे करना ही पड़ेगा। जितने भी तेरे गांव में हैं, जो भी तेरे भाई हैं, जो भी तेरे बॉक्सिंग वाले हैं, सब तेरे को देख रहे हैं और तेरे मुक्के में इतना दम होना चाहिए कि उन सबको सोच के तेरे को अपने अपोनेंट को मुक्का मारना है। किसी भी तरह मेरे को ये फाइट जीतनी है। जितना एक प्यासे के लिए पानी जरूरी होता है उतना ही मेरे लिए ये फाइट जीतना जरूरी है। I am a piece of cake for Manjeet, but I think in this fight I'm really going to prove everybody wrong. बहुत ज़्यादा training करी है, अपने सारे efforts डाले हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ जीतने के लिए आई हूँ और वही मेरा main aim है। दिल में अगर ये सोचेंगे कि हार हार है तो ऐसा ही होगा कि हार ही जाएंगे। मैं fight खेलूँगी और जीत के दिखाऊँगी। Ove nedelje, dobro jutro borci. Četvoro boraca da istupe napred. Ovo je poslednji trening za borce ove nedelje. We were all looking at each other's faces. Četvoro boraca da istupe napred. Lipika, Manjit. Anija apni bhasha mein baat kar rahi thi, pata nahi kya kya bol rahi thi. दो मिनट के लिए तो मुझे ये लगा कि अभी भी नींद में हूँ या कि मेरे को मैम की बात समझ नहीं आ रही है। नापरत केक हो है। And then everybody just burst out laughing. Some funny thing on the beginning with my Serbian language. There was like, she crazy now. What is wrong? Good morning, guys. Good morning. Good morning. Okay, boys, you will go with Dan. Girls, with me on the mat. We can start. First, lay down. Put your hands here. This is warm up. Let's go now. Do you listen to me? One, two. Knees up. Let's go. जो नीचे है, उसका सबसे important काम क्या है? यहाँ से escape करना. जैसे ही मैं ground and pound कर रहा हूँ. मैं उसको एक दरवाजा दिखाता हूँ। Watch this। उसको लगता है इधर खुला है। He turns to that side। 99% लोग इसके लिए गिर जाते हैं। मतलब they fall for this trap। Open this। He goes here। That is what I want। He turns, boom, boom, boom। Turn। Second level of ground and pound। He turns here, boom, 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 and he turns more, boom, boom. This is what I want, and you end the fight here. If we have moments like this, then we will try this. This is called flattening your opponent. The moment he comes up on his knees, I sink this first. These two, and boom. अब देखने वाली बात ये रहेगी, इसका दाव लगता है और किसकी टाइमिंग अच्छी बैठती है और कम समय में कौन इसको यूज़ कर पाता है। एलन सर ने काफी अच्छी क्लास ली हमारी। जहाँ तक मुझे लग रहा है फाइट काफी इंटरेस्टेड रहेगी। डिफेंस अटैक कौन किस तरीके से यूज़ करता है ये उस दिन देखने को मिलेगा। मैं यही चाहूँगा कि खाली सिर्फ अपनी बॉक्सिंग को इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरी अच्छी है अगर मैं उसको छुपाऊँगा तो मैं फाइट नहीं जीत पाऊँगा। जब मैं अग्रेसिव होता हूँ उसी टाइम मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है, लेकिन देखने वाले को ये लगता है कि ये पागल हुआ हुआ है, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है। दोस्ती, भाई, जो भी रिश्ता है, केज के बाहर रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही विनर बनेगा, सिर्फ एक। वार्म अप के बाद हम लोग सानिया मैम के साथ ग्रैपलिंग एरिया में गई और हमारी ग्रैपलिंग स्टार्ट हुई माउंट से। When she do ground and pound, you must break her balance. So break her balance while bridging. You know this. Now she's losing the balance. At the moment.
while she's taking her base. Take her hand and bridge. Let's go, girls, all the time. Bridge, 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 try to escape. माउंट पर जब हम होते हैं तो ग्राउंड एंड पाउंड कैसे करना और जो ग्राउंड पे और उसे कैसे स्विच करके फाइट को दूसरा रुक देना है। जब मैंने मंजीत का गेम ऑब्जर्व किया तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छी बॉक्सर है बट जब बात टेक्निक्स पे आती है तो आई डोंट थिंक कि वो उन पर इतना ज़्यादा फोकस करती है मेरे हिसाब से फाइट में सिर्फ स्ट्रेंथ काम नहीं आती है दिमाग भी काम आता है और आई थिंक फाइट करते हुए वो अपना दिमाग कम चलाती है मैं सोचूंगी तो वही दिमाग में रहेगा कि मैं हारूंगी हारूंगी और उसका असर फाइट में होगा अगर मैं नहीं सोचूं तो वही अच्छा है मेरे लिए I'm trying to go for a knockout or submit. I'm not going to lose. किसी एक को जीतना है किसी एक को हारना है वो दोएगी ना तो मैं दोगी दो तीन दिन से मैं अपने आप को थोड़ा सा अकेला सा फील कर रहा था थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था जैसे ही दरवाज़ा खुला मुझे दिखा कि मेरी मम्मी और मेरा ब्रदर आए हुए हैं उनको देखने के बाद मुझे ये लगा कि यार जिनको मैं चाहता था वो लोग मेरे सामने आ गए सब ठीक सब ठीक है सर एक चीज़ चाहता हूँ कि अपनी माँ को खुशी दूँ मैं ठीक है बढ़िया खेलेगा कुछ जी लगा जिसका आशीर्वाद होना चाहिए सबका उस दिन वो कर रहे थे चैलेंज चुना था पैर चली हो गया था तो छाती में लग गई थी फिर वो सूजन सी हो गई थी थोड़ी सी फिर दवाई ला ले ठीक है थोड़ा देख के ऐसे मन के हिलने का कभी इसका चोट भी लग जाती है हाथ पांव में कभी कहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है थोड़ा सा मैं पापा के मरने के बाद में मतलब थोड़ी सी इसी के ऊपर उम्मीद है सारी मैं काफी खुश हूँ कि अपनी माँ से मिलके और काफी अपने ब्रदर से जो मेरा भाई मेरे को सपोर्ट भी करता है छोटे वाला वहां से मुझे एक सोच मिली कि यार तू यहाँ पे अब अपना तेरा काम करना है बाकी अब जब घर वाले और सारे रिश्तेदार तेरे साथ हैं तो देखी जाएगी जो होगा वहाँ से मैं बिल्कुल मूड फ्रेश हुआ अब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है ना मैं कुछ सोच पा रहा हूँ सिर्फ मेरे को खुशी है कि यार जल्दी से फाइट आए और मैं अपना काम करूँ The finals of the quarterfinals. Without further ado, let the weigh-ins begin. Ladies and gentlemen, the judges have made their decision. And the winner वेइंग के टाइम पे हम लोगों को सभी को लाइनअप किया गया राज सर ने वहाँ पर एंट्री की The finals of the quarterfinals. Last week, इसके बाद semi-finalists two fights away from becoming SFL season one champions. The standard of your MMA has just gone from here right up to here. I've been seeing it. The coaches have been telling me. And by the time you get to the final, two of you guys are going to do India proud. It's an important week, especially aapke liye. नीरज संदीप आपको आपस में लड़ना है और सुना आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है भाइयों जैसी दोस्ती आपकी वो धर्म है वो करना पड़ेगा गुड और ये कर्म है ये निभाना पड़ेगा गुड आई लाइक द स्पिरिट विदाउट फर्दर डू लेट द फाइनल ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स लेट द वेन्स बिगिन सो वी स्टार्ट विद द फीमेल फर्स्ट सानिया दीपिका Let's go. Fifty-five point two.
Anjit, let's go. Same. 55.2. Fighters, face off. उसका बाल ऐसे पूरा मेरा मुंह ढक गया उसे उसको पहले ही बोला था अपना बाल पीछे ले लेकिन ऐसे चुड़ैल की तरह आगे आगे Done. First fighter, नीरज .69 fighter makes weight. Next fighter, Sandeep. .70 fighter makes weight. Fighters face off. और संदीप का फेस ऑफ हुआ तो हम लोग बिल्कुल एक दूसरे को देख रहे थे बाद में हम दोनों ने केज की तरफ इशारा किया कि दोनों जने केज के अंदर मिलते हैं लास्ट फाइट गिव इट योर बेस्ट शॉट आफ्टर दैट आई विल हैव माय फाइनल 8 सेमीफाइनलिस्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट गुड लक एंड आई विल सी यू टुमारो थैंक्स हार गई और तब समझा मुझे कि फैमिली से मिलना है बहुत खुशी हो रही थी इतने दिन के बाद फैमिली से मिलना पहले मिलके बहुत रोना आया और बहुत अच्छा लगा फैमिली से मिलके तुम्हारा दिनचर्या कैसा रहता है सुबह प्रैक्टिस होता है अलग कुछ सीखने को मिला ग्रैपलिंग ये वो बहुत कुछ प्रैक्टिस होता है मसल बन गए कि नहीं बन गए बता ना बन गए मेरा पेट थोड़ा बढ़ गया तू मारने के लिए नहीं है ना थोड़ा पेट बढ़ गया भाई नॉकआउट मारने मारने वाली है सबमिशन नहीं तो नॉकआउट पापा ने मुझे बोला कि जीतना ही है और मैंने पापा को बोला है कि मैं ये फाइट जीतूंगी या नॉकआउट या सबमिशन जो भी और मुझे ये जीतना है फाइट मरिया नहीं आई अभी मरिया को अलाउड नहीं बोला ना मेरी फ्रेंड को जो छुपाया था जो बोला था कि वो नहीं आ रही आएगी जब वो जब आई तभी और भी अच्छा लगा छुपा के रखा था ऐसे ही सोचा थोड़ा सरप्राइज दे दो तो आगे चल के एमएमए फाइटर बनना है इंडिया के लिए खेलना है सबसे बढ़िया फाइटर बनना है या खाली खेलना है नहीं बहुत अच्छा फाइटर बनना है पहले तो लगा था कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जीतूंगी जब पापा से मिले और पापा ने जो बात किया कि मैं जीतना है या कुछ भी तो तभी एक जोश आया कि नहीं अभी अभी कुछ करना है फाइट में जो पापा का सपना है मेरे सर का सपना है पूरे फैमिली का सपना है मेरा भी सपना है तो मैं वो पूरा करूँगी जब मैं अपने लॉकर रूम में थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मेरे को केज के अंदर जाके वो फाइट जीतनी है जब लॉकर रूम में चली गई तो मैं सोच रही थी फाइट कैसे खेलना है मुझे इतने क्रूशियल फाइट से पहले मैं अपने मॉम को देखा तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था वो लास्ट तक खेलना है जिम के सबको मार के आना है मुझे सबसे छोटा बच्चा और सबसे ज़्यादा जीत के आना है मतलब डोंट टेक स्ट्रेस मम्मा थोड़ी टेंशन में आई थी और पापा अंदर से थे लेकिन ऐसे मुझे नहीं दिखा रहे थे कि मैं बहुत डर गया वो सपोर्ट कर रहे थे कि तू खेल
जब कटमैन हमारे लॉकर रूम में आया और जब मेरे हाथ पे वो रैप्स बंद रहे थे, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं सच में एक एमएमए फाइटर हूँ। मैं यही सोच रही थी मुझे अच्छा फाइट खेलना है। जिस चीज़ का मैं पिछले 4 हफ्तों से वेट कर रही थी, वो मोमेंट फाइनली मेरी आंखों के सामने था। I'm going to go over the rules. Okay, the first most important one is follow my instructions at all times. Okay, the second most important thing is keep it clean. I don't want any fouls. This area, which is your mohawk area of the head, is totally off. You can't hit this. This is spinal area. No strikes at all to the spinal area. Kidneys, no heel kicks to the kidneys. Not allowed at all, totally. You can't pull the shirt. You can't pull the pants. The gloves, you can hold the hands. But you can't grab the material of the glove. Any questions? So remember, keep it clean, follow my instructions at all times. Yes, sir. All the best. Thank you, sir. Hi, I'm Ajit Avyo. Hi, sir. Saptiyar. You are the youngest in the house, Ajay Maluma, the baby of the camp. But fight like a warrior. Yes, sir. And don't leave it in the hands of the judges. मेरा ये मानना है कि आप जजेस के हाथ में छोड़ोगे तो यू माइट नॉट बी हैप्पी विद द रिजल्ट, ठीक है? ये फाइट फास्ट फिनिश करो, नॉकआउट और सबमिशन, एंड आई विल गिव यू 50,000 बोनस, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू मे बी वेरी प्राउड टिल नाउ एंड गुड लक, थैंक यू सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एसएफएल चैलेंजर्स। आज है फोर्थ फाइट नाइट और हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे फाइटर्स अपनी स्किल्स को यहाँ पे इस केज में टेस्ट करेंगे और उन्हें प्रूफ करेंगे। आज की फाइट शुरू करने से पहले मिलते हैं हमारे केज साइड गेस्ट से। आज हमारे साथ हैं एक्टर जैकी भंडानी एंड द वेरी गॉर्जियस ईशा कोटिकर नारंग। तो चलिए अब मिलते हैं आज की पहली फाइट के उन फाइटर्स से जिनके सपने और आने वाला कल आज इस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। Ladies and gentlemen, SFL proudly presents, in the red corner, standing at 5 feet and 3 inches and weighing in at 55.4 kilograms, with heel kicks, representing Delhi, put your hands together for Lipikar Adiyo! And her opponent, in the blue corner, standing at 5 feet and 3 inches and weighing in at 55.2 kilograms. Striking power, representing Maharashtra, put your hands together for Manjeet Kolhatkar! Ladies and gentlemen, the judges have made their decision, and the winner to the center. Follow my instructions at all times. Keep it clean. Remember the fouls we covered. Touch gloves. Corners. Timekeeper. Fighter, you ready? Ready? Fight! Control first. Yes, control first. Lipika, mount. Give your position. Yes.
Are you okay? Lipika's putting the lock on Manjeet. Can't punch, yeah. You've got 3 rounds of 5 minutes. And it's very hard to keep that lock. You lose a lot of energy. Corner, that side. That side, that side. Very good. Very good. Arey Manjeet, usko punching mile uska andar mat ja raha dur dur defense leke back jaye. Punch maar ke back. Abhi tak laga kuch bhi se ek bhi punch nahi laga. The first round I think went to Lipika, yes, hands down. That is good. Breathe hard. Green Korean ek shot block karke rakh usko. Dusra dono hath gir banana jaise. Seconds out. Clean the floor. Stay in your corner. Timekeeper. Fight! He's like a rock. He's much stronger. They've got each other, you know, locked in. Last 10 seconds. Hold it. 10 seconds. 5, 4, 3. Last round. Come on.
this. Take this. Don't tire out now, okay? Don't tire out now. You gotta go through all rounds. Ground mein mat leke aao usko. Ground mein mat waste kar apna time. Tune sirf stand up khelna jaise ye khela. Ye round pura khela hai. Pura round khela. Stand up khelna tune. हाँ बस स्टैंड अप खेल बस पंच किक बैक हाँ अकेली बॉक्सिंग कर पंच एंड बैक दिस इज द लास्ट राउंड टाइम किक ऑफ फाइट चल मंजीत फाइट में मंजीत चल Someone, Lipika, get the head out of there. Don't pull the shot. Stay there, Lipika. Lipika, 45. Ah, put your head up like a dinosaur. Lipika, like a dinosaur. Head up. Lipika, head up like a dinosaur. That's it. That's it. Lipika, put her down. Lipika, head up like a dinosaur. Hey, Chal, Lipika. Push your head up. Lipika, last minute. Push your head up. Last minute. Head up. Come on. Head up. No. Go, Mati. Go it. Marami. Come on. Are you okay? You okay? Come on. Lipika, rotate. Lipika. Are you okay? Are you okay? Come on, very good, very good. Very nice, nicely done. Very, very need to fight. Full mount is when she's sitting on top of her. Ah, damn it, last 10 seconds. No punches to the back. No punches to the back. No, no punches to the back. Break, break, break. Corner. Corner, corner. Well done, well fought everyone. Well done, girls. Well fought. Good fight, girls, good fight. अब बारी है आज की दूसरी फाइट की जो ऐसा मान लीजिए जैसे कि दो भाइयों की फाइट हो Ladies and gentlemen, the judges have made their decision and the winner put up a very good fight. Raj. Actually, before I give my results, I just want to have a couple of words from Isha and Jackie. And just tell us what you thought. Internationally, हम लोगों ने औरतों को लड़ते हुए देखा है, but this is the first time in India that we're seeing women fight in a ring of this kind. It was nice. And both of you, Lipika and Manjeet, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा खेल खेला है. Jackie. What do I say? First of all,
मुझे इन दोनों से बहुत डर लग रहा है. आई थिंक यू आर टू स्ट्रॉन्ग एंड आई नीड टू गो एंड ट्रेन लिटिल मोर. बट टू गुड आई थिंक यू गाइस वर लाइक अमेजिंग. कीप इट अप. लेडीज एंड जेंटलमैन, द जजेस हैव मेड द डिसीजन. जज एलियट स्कोर्स अबाउट 28-29. जज मोहन स्कोर्स अबाउट 28-29. जज जॉर्ज स्कोर्स अबाउट 28-29. एंड द विनर बाय यूनैनिमस डिसीजन. In the blue corner, Manjeet. मुझे पता था कि मैं ये फाइट जीतूंगी. अभी तक मैं इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे सेमीफाइनल फाइनल जीतना. I just could not control and I started crying. I knew कि ये SFL Challengers का एंड है मेरे लिए. मैं जैसे मम्मी से मिला और अपने ब्रदर से मिला तो मुझे काफी रिलैक्स फील हुआ. तो बढ़िया खेल लिया बस. हाँ ना मैं पता है. मम्मी ने मुझे सिर्फ एक बात कही थी कि भाई तू अपना खेल जैसे तू खेलता है बाकी की बात है. जीत पाना है. अच्छा पूरा टैन असली वाला मुक्का है ना. बस वो मार दे मतलब जिससे कि सारे अब तक नॉकआउट करे है ना वैसे नॉकआउट करना है. सिर्फ इस बात की थोड़ी बहुत टेंशन और इस बात का डर था कि जिनको मेरे ऊपर उम्मीद है मैं क्या मैं उस प्रकार का परफॉर्म कर पाऊंगा. आज वो समय है कि मैं अपने आप को साबित करूं कि भाई मैं भी एक फाइटर हूं. उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था. मैंने बस ये सोचा कि जो मैं अपना गेम प्लान किया है सिर्फ उस पर फोकस रखना है. मेरे दिमाग में बिल्कुल पूरा जो मैंने प्लानिंग की थी वो बिल्कुल सही थी. हेलो संदीप. अच्छा सर. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडे. थैंक यू सर. तो एवरी वीक मैं कंटेस्टेंट्स को एक ऑफर देता हूँ. अगर आप जजेस के हाथ में छोड़ोगे तो स्कोर और जो रिजल्ट्स होगा शायद आपके बेनिफिट में जा सकता है या नहीं भी जा सकता है. आप जीतो नॉकआउट से सबमिशन से मैं आपको एक 50,000 का बोनस दूंगा. और ऑल द बेस्ट. आपका जो MMA लेवल है इट्स अप हियर नाउ. आज आपका मौका है ये फाइट जीतना सीधा सभी फाइनल्स. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन इट. ठीक है. मेक मी प्राउड. अब बारी है आज की दूसरी फाइट की. जो ऐसा मान लीजिए जैसे कि दो भाइयों की फाइट हो. इतना क्लोज आ चुके हैं ये दोनों इस बूट कैंप में. आज तक ये दोनों कॉर्नर मैन रहे हैं और दूसरों को सपोर्ट किया है और आज इस केज में उनका आमना सामना होगा. एक है वुशु के बैकग्राउंड से और दूसरे बॉक्सिंग के, जो मानते हैं कि इस MMA के फॉर्मेट में भी एक बॉक्सर ये जंग जीत सकता है. तो देखते हैं कि आज उनकी ये बिलीफ सच होती है या नहीं. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मीट द फाइटर्स. Ladies and gentlemen, in the red corner, standing at 5 feet and 7 inches, and weighing in at 64 kilograms, with fist of fury representing Haryana, put your hands together for Niraj Goyal! And his opponent, in the blue corner, standing at 5 feet and 10 inches, and weighing in at 70 kilograms, representing Delhi, ladies and gentlemen, Sandeep Yadav! Ladies and gentlemen, the judges have made their decision. And the winner fighters to the center. Follow my instructions at all times. Keep it clean. Touch gloves. Corners. Timekeeper ready? Fighter, you ready? Ready? Fight! Fight!
Sandeep is hardcore, huh? What a fighter. There was one illegal hit on the floor. No, it was it was a submission actually. TKO, yeah. That's fine, doctor. He's okay, right? The sport is just full of good camaraderie. You know, outside the cage, like I said, they have a relationship like brothers. Inside the cage, they know it's a sport and they have to win and they have to do their best. But I think from the moment go, Sandeep to ek second ke ruka hi nahi. Attack, attack, attack. Jackie, Isha, gobsmacked. Yeah, I'm speechless. बहुत ही अच्छी fight थी और आपने संदीप सच में बहुत ही अच्छी आपकी fight रही. Jackie. मैं imagine भी नहीं कर सकता कितना difficult होगा ये fight, but it was amazing. You fought like warrior. All right. Without further ado, Raj, over to your decision. Great fight, guys. Obviously, the winner in the blue corner by technical knockout, Sandeep. Neeraj, बहुत अच्छी तरह लड़े आप भी. फिर भी मुझे लग रहा है आपको एक MMA में थोड़ा और फोकस करना चाहिए और सिर्फ बॉक्सिंग पे मत रिलाई करो इसमें. So I'm proud of you. Well done. You fought well. कोई भी अगर इंसान हारता है तो उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता. और यहाँ पे मैं जब से भी इस बूट कैंप के अंदर आया हूँ तब से हार ही रहा हूँ. चैलेंज है या फाइट है, इस घर का रूल है, जो भी हारेगा उसको इस घर से बाहर जाना पड़ेगा. तो वही मैं कर रहा था. मैं अपना सामान पैक कर रही थी तो थिंक वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुझे वापस घर जाना पड़े. जितना मेरा ग्रुप है, राजिंदर, संदीप, गुरलीन, मंजीत, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा. आज मेरा दिल थोड़ा अपसेट था. मेरा एक ऐसा बीका था कि भाई एक अपना अच्छा दोस्त जा रहा है, एक खुशी घर से निकल के जा रही है. जीतने के बाद भी हमें रोना था, हारने के बाद भी हमें रोना था. मैं आंड्रू को बिल्कुल बाई नहीं बोलना चाहती थी. मैं चाहती थी कि मैं उससे उसकी अगली फाइट जीतते हुए देखूँ. आई एम रियली गोइंग टू मिस यू गाइस. All the memories, that the good times that we spent together, my birthday, everything, you know, it just kept running through my mind. And when it was time for her to leave, to hold my tears back is kind of hard, but I had to do it, like, you know, just to let her feel strong.
जब मैं उस डोर से बाहर जा रही थी तो मुझे पता था कि ये प्लेटफॉर्म मुझे वापस नहीं मिलेगा। मैं तो सबको मिस करूंगा ही, लेकिन सब मेरे को बहुत ज्यादा मिस करेंगे, मुझे पता है। अब आप फाइटर्स एक दूसरे लेवल पे आ चुके हैं, आप सेमी फाइनलिस्ट हो चुके हैं। SFL Challengers, आज है पहली सेमी फाइनल फाइट। And the winner